हेलो डियर स्टूडेंट्स, फिजिक्स छोटा रिचार्ज, छोटा पैकेट बड़ा धमाका कि आज की इस वीडियो में सर्कुलर मोशन और काइनेमेटिक्स के कॉन्सेप्ट्स को मिलाकर एक बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन का फिगर आपके सामने है। पहले मैं क्वेश्चन समझाता हूं कि क्वेश्चन में क्या गिवन है और क्या हमसे पूछा गया है। उसके बाद चाहे तो आप वीडियो को पॉज करके पेन कॉपी लेके खुद से भी इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश कर सकते हैं। फिर वीडियो को चला के देखना कि आपका सॉल्यूशन सही है या नहीं। तो क्वेश्चन में ये एक सर्कल है जिसका सेंटर है O और CD इसका एक डायामीटर है और इस सर्कल की रेडियस है कैपिटल R। यहां एक रॉड है AB जो इसके डायामीटर CD के पैरेलल यूनिफॉर्म स्पीड V से मोशन करता है। एक रॉड है AB जो इसके डायामीटर CD के पैरेलल यूनिफॉर्म स्पीड V से मोशन करता है। तो अगर ये रॉड इस सर्कल पे इसके डायामीटर CD के पैरेलल मूव करेगा तो इस रॉड और इस सर्कल का जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन यानी ये वाला पॉइंट P है वो भी मूव करेगा। अगर यहां हम इसे देखें, ये ऐसे एक सर्कल है, ये इसका डायामीटर। अगर कोई रॉड है जो इसके डायामीटर के पैरेलल इस तरह से मूव करती है तो अभी रॉड और इस सर्कल का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन यहां है। कुछ देर बाद जब रॉड यहां पहुंचेगी तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन यहां आएगा, फिर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन यहां, फिर यहां, फिर यहां। तो जैसे जैसे ये रॉड आगे मूव करेगी वैसे वैसे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन भी मूव करता हुआ दिखेगा। तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन भी मूव करेगा तो हमें इस क्वेश्चन में क्या बताना है कि जब ये रॉड मूव करते करते इस सर्कल के सेंटर से x इज इक्वल टू 4r बाई 5 की डिस्टेंस पे होगा तो इस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन यानी पॉइंट P की एंगुलर वेलोसिटी क्या होगी। क्वेश्चन में क्या गिवन है कि ये जो रॉड है वो इसके डायामीटर CD के पैरेलल मूव करता है, उसकी स्पीड यूनिफॉर्म है v। तो जब ये रॉड सेंटर से x इज इक्वल्स टू 4r बाई 5 की डिस्टेंस पे होगा तो हमें क्या कैलकुलेट करना है, इस रॉड और इस सर्कल के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन की एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा कैलकुलेट करनी है। तो आई होप क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा। चाहे तो वीडियो को पॉज करके खुद से भी एक बार आप ट्राई कर सकते हैं। सोचो जरा कैसे सॉल्व होगा ये क्वेश्चन। ऐसा क्वेश्चन कभी सॉल्व किया है पहले? देखो, इसके सेंटर को P पॉइंट से ज्वाइन कर देते हैं और मान लेते हैं ये एंगल कितना बनता है, थीटा। इस P पॉइंट की जो कि पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है किसका किसका, रॉड का और सर्कल का, ये P पॉइंट जब मूव करते हुए यहां पहुंचेगा तो इसकी लीनियर वेलोसिटी होगी कुछ ना कुछ। सर्कुलर मोशन में दोनों तरह की वेलोसिटी होती है, लीनियर वेलोसिटी भी होती है और एंगुलर वेलोसिटी भी होती है। तो सबसे पहले हम इसकी लीनियर वेलोसिटी निकालेंगे, फिर जो फॉर्मूला होता है v इज इक्वल्स टू r ओमेगा, यहां से ओमेगा की वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे। तो इस p पॉइंट की अगर लीनियर वेलोसिटी सपोज vp है तो ये जो p पॉइंट है ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, इट मींस ये p पॉइंट सर्कल पे भी होगा और ये p पॉइंट इस रॉड पे भी होगा। सोचो जरा अगर रॉड अपने लेंथ के परपेंडिकुलर या फिर इसके डायमीटर CD के पैरेलल अगर मूव कर रहा है तो अगर इसकी वेलोसिटी भी है तो इसके हर एक पॉइंट की वेलोसिटी भी होगी, इसमें कोई डाउट नहीं है। तो जो P पॉइंट है वो इस रॉड पे भी है इसलिए इस P पॉइंट का जो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कंपोनेंट मिलेगा वेलोसिटी का वो इस रॉड के वेलोसिटी भी के इक्वल होगा। यानी इस P पॉइंट का ये जो वेलोसिटी हमें मिल रहा है जो इस सर्कल के टेंजेंट के लॉन्ग है, अगर इसका हम कंपोनेंट ले रॉड के लेंथ के परपेंडिकुलर तो ये जो वेलोसिटी है वो रॉड की वेलोसिटी यानी कि वी के इक्वल होगी क्योंकि पी पॉइंट सर्कल पे भी है और पी पॉइंट रॉड पे भी है। तो सर्कल के हिसाब से अगर इसमें लीनियर वेलोसिटी वीपी है तो इसका अगर हम हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट करें तो वो जो कंपोनेंट है वो रॉड की वेलोसिटी वी के इक्वल आएगा। अब सोचो जरा अगर ये एंगल थीटा है तो जो एंगल दो लाइंस के बीच में होता है वही एंगल उन दोनों लाइंस की म्यूचुअली परपेंडिकुलर लाइंस के भी बीच में होता है। कई बार बता चुके हैं ये लाइन कैसी लाइन है, हॉरिजॉन्टल। ये लाइन कैसी लाइन है, ये एक रेडियल लाइन है।
इस लाइन का परपेंडिकुलर ये वाली लाइन और इस रेडियल लाइन का परपेंडिकुलर ये टेंजेंशियल लाइन। तो अगर यहां एंगल थीटा है तो ये एंगल भी थीटा ही होगा। तो अगर हम इस वीपी का कंपोनेंट करें तो इस डायरेक्शन में कंपोनेंट आएगा वीपी कॉस थीटा और ये जो कंपोनेंट होगा वो होगा वीपी साइन थीटा और वही कंपोनेंट रॉड की वेलोसिटी के इक्वल होगा यानी वी इज इक्वल टू हमें मिलेगा वीपी साइन थीटा। यहां से अगर हम पी पॉइंट की लीनियर वेलोसिटी कैलकुलेट करें तो वो आएगा वी डिवाइडेड बाई साइन थीटा। इसको चाहे तो आप वी कोसेक थीटा भी कह सकते हैं। अगर इसकी लीनियर वेलोसिटी पूछी जाती तो ये हमारा आंसर होता है। इसमें भी अभी थीटा की वैल्यू को कैलकुलेट करना है। सोचो जरा अगर ये 4r by 5 है और ये आपका r है तो यहां से आप चाहे तो cos थीटा कैलकुलेट कर सकते हैं। cos थीटा बेस अपॉन हाइपोटेनियस ये आएगा 4/5। यहां से sin थीटा की वैल्यू होगी 3/5। यहां से cosec थीटा की वैल्यू हमें मिलेगी 5/3। cosec थीटा की वैल्यू यहां अगर पुट कर दें तो vp की वैल्यू हमें मिलेगी 5v/3। इसमें कोई डाउट नहीं है। तो P पॉइंट की लीनियर स्पीड हमें मिल गई लेकिन हमें इसमें लीनियर वेलोसिटी लीनियर स्पीड नहीं पूछी गई है, हमें इसमें एंगुलर वेलोसिटी पूछी गई है। तो एंगुलर वेलोसिटी का जो फॉर्मूला होता है सर्कुलर मोशन में वो क्या होता है, V इज इक्वल्स टू आर ओमेगा। वहां से अगर ओमेगा की वैल्यू कैलकुलेट करें तो ओमेगा होगा वीपी डिवाइडेड बाई आर यानी 5v/3 डिवाइडेड बाई आर। फाइनली हमें मिलेगा ओमेगा 5v/3r। ये होगा हमारा आंसर। ओमेगा की यूनिट क्या होती है, रेडियन पर सेकेंड। तो आई होप ये क्वेश्चन आपको क्लियर हुआ होगा। आप मेरे चैनल पे जाके छोटा रिचार्ज की जो सीरीज है उसमें जितनी भी वीडियोस हैं उनको देख सकते हैं। हर एक वीडियो से आपको कुछ ना कुछ सीखने के लिए जरूर मिलेगा। तो मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, तब तक पढ़ते रहना।